हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक इंस्टेंट केक की रेसिपी, जिसे हम 5 मिनट में बनाकर ही रेडी कर लेंगे। बिना बेक के हुए केक की रेसिपी मैं किस तरीके से बनाती हूँ और बहुत ही इजी प्रोसेस के साथ बनाने वाली हूँ। तो चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, तो आज की केक की रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया हुआ है एक चॉकलेट बिस्किट। तो आप यहाँ किसी भी ब्रांड का या किसी भी कंपनी का यहाँ पर चॉकलेट बिस्किट का यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर बादाम बिस्किट लिया हुआ है, आप ओरियो या फिर कोई भी चॉकलेट बिस्किट यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक पैकेट लिया हुआ था जिसमें 7 से 8 बिस्किट थे। तो मैंने यहाँ पर आधा कप दूध डाल करके इसका एक लिक्विड पेस्ट तैयार कर लिया है। और दूध आप अपने अनुसार डाल सकते हैं। अगर आप ज़्यादा थिक पेस्ट रखना चाहते हैं तो कम दूध डालें, या फिर मैंने देखिए इस कंसिस्टेंसी पे जो है इसलिए दूध डाला हुआ था। तो मैंने हाफ कप ही दूध ऐड किया हुआ था। यहाँ मैंने लिया एक प्लेट, और प्लेट में मैंने डाल दिया है थोड़ा सा चॉकलेट बिस्किट जो मैंने पेस्ट बनाया था उसे, ताकि ब्रेड जो हमारा है एक जगह स्टिक हो जाए। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया हुआ है ब्रेड के स्लाइसेस जिसके कॉर्नर को हटा दिया था, और उसके ऊपर मैंने डाल दिया है मिल्क। और मिल्क में मैंने शुगर नहीं ऐड किया हुआ था, क्योंकि ये हम चॉकलेट डाल रहे हैं तो चॉकलेट भी मीठा होता है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर कोई शुगर नहीं ऐड किया हुआ है। और इसी प्रोसेस से हम ये प्रोसेस 4 से 5 बार अप्लाई करेंगे, और फिर से मैं यहाँ पर चॉकलेट सिरप ऐड कर दूँगी और उसके बाद इसे मिक्स कर देंगे। और ये प्रोसेस मैंने 5 टाइम्स किया हुआ है। तो उसके बाद मैंने जो चॉकलेट बिस्किट का स्प्रेड बना करके रेडी किया हुआ था उसे हम इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे, ताकि जो ब्रेड है वो कवर हो जाए और देखने में बिल्कुल लगे कि ये एकदम बेकरी स्टाइल हमारा केक बन करके रेडी हुआ। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर ब्रेड को कवर करने के लिए इस चॉकलेट बिस्किट स्प्रेड का इस्तेमाल किया हुआ है। तो ये देखिए, मैंने इसे अच्छी तरीके से कवर कर दिया है। और उसके बाद आप चाहें तो इसे रख सकते हैं थोड़ी देर फ्रीज़र में, ताकि ये सेट हो जाए, बट मैंने इसे अभी फ्रीज़र में नहीं रखा हुआ है। इसके ऊपर मैं डाल देती हूँ थोड़ी सी डेरी मिल्क क्रश करके। तो इस तरीके से मैं कद्दूकस कर लूँगी और उसके बाद यहाँ पर इसे ऐड कर दूँगी, और ताकि इसका देखने में लुकिंग जो है थोड़ा सा बढ़ जाए। तो मैंने यहाँ पर डेरी मिल्क का यूज़ किया, आप डार्क कंपाउंड चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पर लिए थोड़ी सी स्प्रिंकल इस तरीके से, ताकि केक की जो लुकिंग है और भी बढ़ जाए। अगर आपके पास हो तो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। ऐसे भी केक बहुत ही खाने में टेस्टी लगेगा। तो ये देखिए, इसकी लुकिंग जो है वो बढ़ गई है। तो इस तरीके से इंस्टेंट केक आप बहुत ही जल्दी तैयार कर सकते हैं। तो चारों तरफ मैंने इसी तरीके से ऐड कर दिया है। और उसके बाद मैं लूँगी यहाँ पर चेरी, अगर आपके पास चेरी हो तो आप लगा दो, या फिर आपके पास कोई भी ड्राई फ्रूट्स हो या टूटी फ्रूटी हो तो आप यहाँ पर वो भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 चेरी लगा दी, और यहाँ पर मैंने लिया 1 चम्मच में चॉकलेट सिरप, और रफली मैंने यहाँ पर इस तरीके से इसे स्प्रेड कर दिया है। और ये देखिए, हमारा केक जो है वो बन करके बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो कह सकते हैं कि कोई मैंने ये केक सिर्फ 5 मिनट में बना करके रेडी किया हुआ है। तो इस केक को आप भी ज़रूर ट्राई करें। आई होप आपको ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी और आप इसे ज़रूर बनाएं, आपके घर में भी बच्चों को बहुत ही पसंद आएगी। तो इस रेसिपी को बनाना जितना ही आसान है उतना ही टेस्टी ये रेसिपी बन करके तैयार होती है, और बहुत ही कम समय में कम सामान में ये रेसिपी बन के रेडी हो जाती है। और चॉकलेट बिस्किट तो हर किसी के घर में होते हैं, तो चॉकलेट बिस्किट का यूज़ करिए और ब्रेड ले आइए, और इस तरीके से एक यम्मी सा केक बना करके अपने बच्चों को सर्व करिए। उन्हें भी बहुत ही पसंद आएगी और वो हर रोज़ आपसे बनाने की ज़िद्द करेंगे। तो ये देखिए, मैं दोस्तों आपको कट करके दिखाती हूँ, ये कट करने पर कितना सॉफ्टली हमारा जो ब्रेड केक है वो कट हो रहा है। तो यानी कि हमारा केक जो है बहुत ही मॉइस्ट और सॉफ्ट बन करके रेडी हुआ है। तो इस तरीके से केक बनाइए और मुझे अपना फीडबैक दीजिए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।